रायगढ़ जिला सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला आया है, जिसमें 2008 के थाना चक्रधर नगर के अंदर हुए बलवा कांड में कई राजनीतिक हस्तियों को सजा मिली है। बता दें कि 2008 में चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस और भाजपा के दोनों गुटों में आपसी लड़ाई हुई थी, जिसमें कई नेताओं को गहरी चोटें भी आई थी। इसी बात की शिकायत थाना चक्रधर नगर में की गई थी। थाना चक्रधर नगर में दोनों पार्टियों ने थाना परिसर का घेराव कर दिया, जिसके दौरान थाने के अंदर ही दोनों पार्टियों में विवाद बढ़ जाने के कारण लड़ाई हो गई। पुलिस ने इसे बलवा के तहत कार्रवाई की थी तथा मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब इस मामले में जिला सत्र न्यायालय ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें कई नेता जमानत पर रिहा हुए हैं तो कई नेताओं को एक दो सालों की सजा भी मिली है। भाजपा के बड़े नेता पूर्व विधायक विजय अग्रवाल का भी इस पर नाम शामिल है। कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले से कई बड़े नेताओं को भी बड़ा झटका मिला है। वर्ष 2008 में भरत अग्रवाल और उसके 18 साथी लोग जो थे थाना में घेराव किए थे, वो महापल्ली में जो कांड हुआ था उसके आधार पे। तो थाना में घेराव करने के दौरान वहाँ उप निरीक्षक इंद्रपाल सिंह थे और उसके हमारा स्टाफ भी थे, उनके साथ उन्होंने जो है ना उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए गाली गलौज दिया गया, धमकी दिया गया, मारपीट भी किया गया। तो जिसके आधार पे पुलिस विवेचना करके माननीय न्यायालय CGM ने चालान पेश किया गया। अब विचारण के दौरान जो है कल दिनांक 16/10/2019 को आरोपीगण को धारा 146, 294, 323 और 353 में कुल 2 वर्ष 3 माह का सश्रम कारावास दिया गया और 500 रुपये अर्दन से दंडित किया गया था। कई लोगों को 1 साल की सजा भी हुई है, बता रहे हैं। हाँ, लोगों को कुल मिलाकर मतलब 2 साल है किसी किसी धाराओं में। जी, रायगढ़ से रंजीत चौहान की रिपोर्ट।